this is me, Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In this video, we are going to learn about the Pleti helminths. बहुत टाइम बाद वापस से वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, लेकिन येस कंटिन्यू में है. जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है. दैट मींस कि हम किंगडम एनिमेलिया के सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ इससे पहले मैंने आपको किंगडम टेनोफोरा के बारे में पढ़ा दिया था, तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं. किंगडम टेनोफोरा के बारे में आपने पढ़ लिया था कि वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फाइला है. ठीक है, उसकी एक बहुत अच्छी या बहुत खास बात ये थी कि उसके ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी कि उनके पास अपनी खुद की एक लाइट होती है. वो मराइन होते हैं और पेलेजिक होते हैं, यानी कि पानी पे कंटिन्यूअसली फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसमें. राइट, तो ये आपने पढ़ा था टीनोफोरा के बारे में. ओके, टीनोफोरा के बारे में आपने ये भी पढ़ा था कि उसमें बायोरेडियल या फिर रेडियल ही ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो आपने टीनोफोरा में पढ़ी थी वो उसके करेक्टर्स थे, और अब आप जो फाइला पढ़ने जा रहे हैं ये उससे बहुत एडवांस्ड है. ठीक है, क्यों बहुत एडवांस्ड है, अभी जब आप करेक्टरिस्टिक समझेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा. ठीक है, बहुत से करेक्टर्स इस फाइला में पहली बार हो रहे हैं. ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही एडवांस्ड फाइला कहा जाता है, या एडवांस नहीं तो डेवलप्ड फाइला कहा जाता है इसको. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके के एनिमल होंगे. तो इसके नाम में ही है प्लेटी हेलमिंथ. प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ मीन्स वॉर्म. यानी कि इस जो फाइला है, ये जो फाइला है इसमें जितने भी एनिमल्स हैं दे आर फ्लैट वॉर्म्स. ठीक है, ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो पेट में हमारे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये ऐसे जानवर हैं जो कहीं पे भी मिल जाएंगे और कहीं पे भी घुस जाएंगे और इन्हें कोई मार नहीं सकता. तो बहुत ही गजब के हैं ये जानवर, और इनका जो अडाप्टेशन है वो तो इनसे भी ज्यादा गजब का है. तो इस फाइला को स्टार्ट कर रहे हैं. बट इन केस अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं कार्ड्स यहाँ पे शो कर दूंगी, उनको देख लीजिए. क्योंकि इफ यू आर अ न्यू पर्सन और अ न्यू स्टूडेंट जो आप इससे पढ़ रहे हैं इस एनिमल के फाइला को, तो बेसिक से स्टार्ट करिए और फिर एक फ्लो चार्ट बना लीजिए अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किस तरीके से पॉरीफेरा से प्लेटी हेलमिंथ तक डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, पॉरीफेरा कैसा था और प्लेटी हेलमिंथ कैसा है, उस चीज को डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, तभी ये आसानी से लर्न होगा. नहीं तो बेटा क्लासिफिकेशन में पूरा झोल हो जाएगा और समझ कुछ आएगा नहीं. तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए. ओके, तो हमारा जो सबसे पहला प्लेटी हेलमिंथ, आप पिक्चर देख रहे हैं कैसे से अजीब से कीड़े मकौड़े हैं. इन्हें कहा जाता है फ्लैटवॉर्म, जो मैंने आपको बता दिया है. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्या मतलब है डॉर्सो वेंट्रली का, मतलब होता क्या है, डॉर्सल का मतलब होता है कि भाई ऊपर का हिस्सा, वेंट्रल मीन्स नीचे का हिस्सा, और फ्लैटेंड मीन्स चिपके हुए हैं, चपटे ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, देख सकते हो कितने पतले हैं, कैसे फ्लैटवॉर्म्स की तरह हैं. और ये इनका पैरासिटिक अडेप्टेशन है. कैसे पैरासिटिक अडेप्टेशन ये कैसे हो सकता है, ये पैरासिटिक अडेप्टेशन इसीलिए है क्योंकि ये जितने फ्लैट होंगे उतना ही तो आसानी से हमारे पेट में रह पाएंगे. ये देख सकते हैं ये वाली जो पिक्चर है, इसमें ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना एक कीड़ा है. ठीक है, और ये जो फ्लैट वॉर्म है इसका नाम है टेप वॉर्म या टीनिया, ये आपके एनसीईआरटी में एज एन एग्जाम्पल मेंशन है. ठीक है, तो वो हमारा सबसे कॉमन फ्लैट वॉर्म है जिसको हम जानते हैं. ठीक है, जिसके लिए आप कीड़े की दवाई लेते हैं बचपन में, तो ये वही है, इन्हीं के लिए आप लेते हैं. दूसरा इनका जो पैरासिटिक अडेप्टेशन है और इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हुक्स एंड सकर्स. हुक्स एंड सकर्स कैसे, हमारे दांत हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए. ठीक है, दांतों का काम हम यूज़ कर लेते हैं ना, किसी को अगर मारना भी होता है बचपन में किया होगा, पकड़ लेते हैं किसी की स्किन हम अपने दांत से आसानी से पकड़ सकते हैं और लगती भी बड़ी तेज है. तो ये जो सेम जो हमारे दांत करते हैं ये काम हुक्स और सकर्स करते हैं. हुक क्या हुआ, पकड़ने के काम आ जाएगा, और सकर नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को पकड़ लिया तो अब सक करेगा उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को, तो वो सकर का काम है. तो हुक्स और सकर्स इनकी बॉडी में होते हैं. ऑलमोस्ट 8 to 12 हुक्स एंड सकर्स का रहता है. और ये क्या करते हैं, हुक्स जाके ये क्या करेगा, टेपवॉर्म इंटेस्टाइन की वॉल को पकड़ लेगा हुक की मदद से, और सकर क्या करेंगे, चिपक जाएंगे इंटेस्टाइन पे, और फिर बस जो आप खा रहे हो वो ये भी खा रहे हैं, सिंपल. तो ये इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है और एक पैरासिटिक अडेप्टेशन है, इसकी वजह से ये उन वहां से हटते नहीं है.
फिर तो आप कोई भी डाइजेस्टिव जूस डाल दीजिए या कुछ भी आप खा लीजिए, कोई दवाई ले लीजिए, ये वहाँ से पूरी तरह नहीं हट सकते, इनको मारना बहुत मुश्किल है। हैप्पी टार्ट के बारे में बात करें, हर जगह मिलेंगे, पेट में हैं तो फिर तो हर जगह। वॉर्म्स की खास बात क्या है, इनको ना टेम्परेचर मार सकते हैं, तो इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ये हाई में है या लो में है, ठीक है। इनको किसी भी तरीके का पानी नहीं मार सकता, ये सॉल्टी वाटर में भी रह लेते हैं, ये फ्रेश में भी रह लेते हैं, है ना। तो कॉस्मोपॉलिटियन है, हर जगह प्रेजेंट है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइटिक हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग कैसे, ये वाला देख रहे हैं आप, ये फ्री लिविंग है, जो फर्स्ट पिक है, जो फर्स्ट पिक्चर है, ये कैसा है, ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग क्यों है, क्योंकि इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये सर्वाइव कर रहा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो एंडोपैरासाइटिक है, एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है। और पैरासिटिक सबको पता है, ये वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना अपने होस्ट से लेते हैं, तो ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, यानी ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो आपके पास ये जो प्लैटीहेलमिंथ है या ये जो प्लेटफॉर्म है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये एंडोपैरासिटिक हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल है, ये पहला फाइला है। अच्छा, नीट में क्या क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइला से स्टार्ट हुआ, तो प्लैटीहेलमिंथ से हुआ था, ठीक है। तीनों फोरा में आपने टिश्यू लेवल तक ही पढ़ा था, ये पहला ऐसा फाइला है जहां पे आप ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिमेट्री, अगेन इंपॉर्टेंट, पहला फाइला जहां पे बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले आपने क्या देखी, रेडियल और बायरेडियल, तीनों फोरा में ये देखी थी ना, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल आपको कहां देखने को मिल रही है, प्लैटीहेलमिंथ में। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, जब आप सिर्फ एक प्लेन से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए कैसा, ये जो अजीब सा कीड़ा है, इसको किस तरीके से आप कट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ही प्लेन है ना, बिल्कुल यहां सेंटर से कट कर दो, ठीक है, यही तो है, ये एक प्लेन ही तो है, सेंटर से बस कट कर दीजिए, राइट। ये प्लेन ऐसा है और यहां से बस स्लाइस की तरह कट कर दिया, बीच से तो कट नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई सिमेट्री नहीं है। तो दिस इज व्हाट बायलैटरल सिमेट्री इज। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म सिमेट्री में कट हो सकता है। जर्म लेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों फोरा में डिप्लोब्लास्टिक था, यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि यहां पे आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों देखने को मिलेगा। तीन लेयर्स हैं, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनकी बॉडी में फिर कैविटी भी होगी, राइट। मेसोडर्म आ गया ना, कैविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो भाई इनकी बॉडी में कैविटी नहीं होती है, एसिलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मेसोडर्म सॉलिड होता है, ठीक है। इनका जो मेसोडर्म होता है ये सॉलिड है, इसीलिए सीलोम एसिलोमेट है। तो ये तो बेसिक से करेक्टर थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं इनके बॉडी वॉल। अच्छा, इनमें एक और करेक्टर है, इनके में ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन इनमें इनके पास नहीं है। बॉडी में सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उन सीलिया का काम लोकोमोशन नहीं है। बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, वो आगे अभी आएगा थोड़ी देर में, लेकिन इनकी बॉडी में सीलिया का काम लोकोमोशन का नहीं है, मूवमेंट का नहीं है, ओके। बॉडी वॉल, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ये तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगेन एक पैरासिटिक अडेप्टेशन। इनके बाद एपिडर्मिस की लेयर और उसके बाद आती है क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल एक थिक लेयर बनाता है, ठीक है। अभी क्यूटिकल का क्या फायदा, क्या कैसे अडेप्टेशन कैसे हो गया, ये क्यूटिकल है तभी तो इनको कोई मार नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी मोटी लेयर है, कोई इनको मार ही नहीं सकता। अभी आप कुछ भी डालो, कोई एसिड डाल दो, कोई बेस डाल दो, कोई डाइजेस्टिव जूस डाल दो, वो क्यूटिकल का काम है कि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा अपनी थिक सी लेयर के अंदर। तो हमारे फ्लैटवर्म्स नहीं मरते, ठीक है, और इसीलिए ये कहीं पे भी घुस के चले बैठ जाते हैं, इनको किसी का डर ही नहीं है, ओके। मेसोडर्म ने मसल्स भी बनाने शुरू कर दिए थे इस फाइला के ऑर्गेनिजम्स में। तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि मसल्स किस फाइला में देखने को मिले, एक्चुअल मसल्स, ठीक है। ऐसे आपने पढ़े थे कुछ मसल्स, एपिथीलियल मसल आपने पढ़ा था एक फाइला में, लेकिन एक्चुअल मसल कहाँ पे बनने शुरू हुए, वो हुए थे प्लैटीहेलमिंथ में। दूसरा, इनकी बॉडी ए सेगमेंटेड है। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, सेगमेंटेशन का काम यहाँ शुरू नहीं हुआ था, वो एनालीड में हुआ था, अर्थवॉर्म की जो फाइला है उसमें। यहाँ पे कोई भी बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी इज ए सेगमेंटेड। तो ध्यान देते हैं, सेगमेंटेशन को समझ लेते हैं, फिर ही तो क्लियर होगा कि ए सेगमेंटेड क्यों बोला गया है भाई इसको। तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें पहले एक एक चीज पढ़ते हैं। ये जो ऊपर की तरफ है ना,
ओके लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, बहुत मिक्स हो गया ना. ओके लेट्स टेक रेड. ये जो ऊपर है ना, ये तो है हुक्स. ठीक है, क्या है ये? हुक्स जिनकी बात कर रहे थे, पकड़ लेंगे. और ये जो यहाँ पे है ना, ये ऐसे अजीब से खुले से होल, ये है सकर. और ऐसे कितने सकर है? एक इधर हो गया, एक इधर है, एक इधर है और एक पीछे होगा. तो देयर आर फोर सकर. तो इतने सारे हुक्स हैं, हुक का काम हो गया पकड़ लेना. सकर क्या करता है, एक बार उसने पकड़ लिया फिर तो सकर चिपक जाएगा और सारा न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा. फिर तो आप इसको नहीं हिला सकते, कोई वो ही नहीं है, चारा ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते. और अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की. ठीक है, यहाँ पे है ना, दिखने को तो मिल रहा है कि यार लाइन 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 है. अब अर्थ फॉर्म में भी तो यही देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है ना थोड़ी थोड़ी लाइंस देखने को मिल रही है रिंकल की तरह. तो अर्थ फॉर्म में भी तो यही होता है भाई, पूछ सकते हैं आप. लेकिन अर्थ फॉर्म में सेगमेंटेशन क्यों है? क्योंकि सेगमेंटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गन का रिपीट होना, या वो पर्टिकुलर पार्ट जो होता है बॉडी का उसको रिपीट करते रहो, तो वो सेगमेंट है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से वे ना आउटर वॉल पे लाइंस हैं. जैसे अपने बॉडी पे रिंकल्स पड़ते हैं वैसे इनकी बॉडी पे रिंकल्स पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है. ये बाहर से लाइंस दिखेंगी आपको, अंदर से तो कोई रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन नहीं है. और अगर ऑर्गन का रिपीटेशन नहीं है तो आप उसे सेगमेंटेशन नहीं कह सकते. इसीलिए ध्यान रखना, प्लेटी हेलमिंथ ए सेगमेंटेड है, या कह सकते हैं इसमें स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. बाहर से लगती है कि सेगमेंटेशन है बट वो तो फेक है. स्यूडो मीन्स पता है सबको, बायो पढ़ रहे हैं भाई इतनी बार आया है, तो स्यूडो मीन्स फेक. तो फेक सेगमेंटेशन देखने को मिल सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं. नाउ मूविंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले पढ़ेंगे, नर्वस इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, स्लाइड आ गई तो क्या हो गया. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? मैंने कहा था यहाँ ऑर्गन स्टार्ट हो गए. ठीक है, अभी ऑर्गन स्टार्ट हो गए ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा वास्ट वाला डेवलप, बिल्कुल नहीं होगा. नहीं, यहाँ पे ब्लाइंड सेक प्रेजेंट है. ब्लाइंड सेक क्या हुआ? ब्लाइंड सेक मतलब माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, खाने के लिए, इंजेशन करने के लिए तो ऑर्गन है, इजेशन के लिए ऑर्गन नहीं है. ठीक है, ऑर्गन नहीं है, बाकी जुगाड़ है बट वैसे ऑर्गन नहीं है. तो माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट, ब्लाइंड सेक है इनकी बॉडी में. ओके, अब क्वेश्चन, खाना खा लिया, एक्सक्रीशन के लिए क्या करेंगे? तो एक्सक्रीशन होता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, या फिर इनके पास एक स्पेशलाइज सेल है जिन्हें कहा जाता है फ्लेम सेल. तो वो एक स्पेशल ऑर्गन है. फ्लेम सेल कैसे होते हैं? फ्लेम, अच्छा नाम क्यों है इनका फ्लेम? क्योंकि ना इसमें जो सीलिया होते हैं, आप डायग्राम भी देखिए, सीलिया जो है ना वो फ्लेम की तरह होता है ना. फ्लेम ऐसे ही तो होते हैं, कोन टाइप में तो जलती है जब दिया जलाते हो, तो बिल्कुल उसी टाइप में फ्लेम है. और वो जो होते हैं उन्हें इसलिए नाम दे दिया फ्लेम सेल. डायग्राम को एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, ये हमारा फ्लेम सेल है और यहाँ पे है ना ये सीलिया जो है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये सीलिया देखिए आप, ये सीलिया कैसा है? फ्लेम बना रहा है, ज्योत. तो फ्लेम बना रहा है इसलिए नाम दे दिया फ्लेम सेल. अब ये क्या करते हैं? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं और उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर की मदद से इसको आउट कर देते हैं बॉडी से, बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो फ्लेम सेल और एक्सक्रीटरी पोर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. अच्छा, फ्लेम सेल का एक और काम है ऑस्मोरेगुलेशन, विच इज वेरी ऑब्वियस. ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर का अमाउंट को भी मेंटेन करना, तो एक्सेस जो वाटर होता है वो बॉडी से इन्हीं के थ्रू निकल जाता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं. अच्छा, इतना मत वो करना कि बहुत ज्यादा है ये, तो फाइला बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली फीचर्स बढ़ जाएंगे, बट इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो गया ऑर्गन. थोड़ा थोड़ा आपको हर ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए. ओके, नाउ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, और नीट के हिसाब से ये सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये अगेन यही वो फाइला है जहां से सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ. सिफिलाइजेशन क्या होता है? सिफिलाइजेशन यानी कि कहां से आया है ये वर्ड? सिफेलिक. ठीक है, ये जो वर्ड आया है सिफेल, ये आया है सिफेलिक से. सिफेलिक मतलब डेवलपमेंट ऑफ हेड. तो ये पहला फाइला है जहां हेड का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो सिफिलाइजेशन इसीलिए पूछा जाता है. और वो आप ये नहीं बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेड कब स्टार्ट हुआ, वो बोलेंगे सिफिलाइजेशन कब देखने को मिला था, किस फाइला में देखने को मिला था. ठीक है, तो ये नहीं है इतना आसानी से, कोई नहीं पूछने वाला आपसे बायो में क्वेश्चन. ओके व्यूअर्स, तो सिफिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइला. अब देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है. लेडर लाइक है,
तो क्या है, समझ लेते हैं कैसा है लैडर लाइक। पिक्चर से तो देख पा रहे होंगे कि सीढ़ियां सी बन गई, इसीलिए बोल दिया भाई लैडर लाइक क्यों बोला। और टू सेरेब्रल गैंग्लिया का क्या मतलब है, तो क्या है सेरेब्रल गैंग्लिया, टू सेरेब्रल गैंग्लिया का क्या मतलब है। गैंग्लिया मीन्स ग्रुप ऑफ साइटोन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ साइटोन्स किन को कहा गया, अभी न्यूरॉन का अगर थोड़ा बहुत ऐसा स्ट्रक्चर, अभी बिल्कुल डेवलप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। हम उससे रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ कि साइटोन क्या है। तो जो अपना होता है ना स्ट्रक्चर, वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा सर्कल बना नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे यहाँ पे फिर एक एक्सॉन रहता है और लास्ट में रहते हैं डेंड्राइट, है ना, यही रहता है, जो मुझसे अभी अच्छे से बन नहीं रहा है बट पता है कर लेंगे आप लोग, है ना। तो ये मेरा जो साइटोन है पुराने, ये मेरा अभी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि मेरे पास आगे ऐसे एक हेड रहता है, देयर इज अ एक्सॉन और फिर डेंड्राइट, ये अभी मेरे न्यूरॉन्स में रहता है। उस टाइम के हिसाब से लाइक इस फाइला में जो रहेगा उसमें डेंड्राइट बिल्कुल नहीं रहता, आगे की तरफ ये जो हिस्सा है इसे कहा साइटोन, ठीक है, दिस इज साइटोन और ये एक्सॉन है। अब यही साइटोन और एक्सॉन यहां पर दिख रहे हैं, कैसे, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये साइटोन है और उसकी एक डंडी क्या है, एक्सॉन है, अगेन वहां पे एक साइटोन है और फिर ये एक्सॉन है। तो ये क्या कर रहे हैं, साइटोन है इधर से, इधर भी साइटोन है, इन दोनों का एक एक्सॉन है जो बीच में जुड़ रहा है, फिर नेक्स्ट अगेन एक साइटोन है, इनकी एक डंडी एक्सॉन जुड़ रही है। अभी इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये सीढ़ियां ही तो बना रहे हैं ना, तो ये इसीलिए बोला गया कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं एक तो, और किस तरीके से फैले हुए हैं, लैडर लाइक सिस्टम में फैले हुए हैं। दो सेरेब्रल गैंग्लिया है, गैंग्लिया मतलब इधर से साइटोन्स का निकलना शुरू हुआ, ठीक है, दो सेरेब्रल गैंग्लिया आपके बिल्कुल आगे की तरफ होंगे और वहां से मेरे क्या निकलेंगे, दो साइटोन्स निकलेंगे, उनका एक्सॉन निकलेगा, वो सेरेब्रल गैंग्लिया, उनका एक्सॉन ये रहा, ये जो लंबी सी एक्सॉन दिख रही है आपको यहाँ बिल्कुल, ये जो बिल्कुल लंबी सी एक एक्सॉन है ना, ये पूरी एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन पे डिफरेंट साइटोन्स अरेंज है वापस से, और फिर वो अपना एक्सॉन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा गजब सा, मतलब अजीब ही सिस्टम इन्होंने डेवलप किया पहली बार, बट ठीक है डेवलप तो हुआ। तो ये नर्वस सिस्टम हमें सबसे पहले, यानी कि सिविलाइजेशन हमें देखने को किसमें मिला, प्लेटी हेलमिंथ में मिला। कैसे मिला, पूरी बॉडी में फैला हुआ मिला, लैडर लाइक सिस्टम मिला। लैडर लाइक सिस्टम क्यों मिला, दो सेरेब्रल गैंग्लिया थे, उनसे एक्सॉन निकला इतना लंबा लंबा, और इन एक्सॉन ने एक्सॉन के ऊपर अपने अपने साइटोन लगते चले गए, और ये साइटोन अपने एक्सॉन्स को जोड़ रहे हैं ताकि क्या बन जाए, सीढ़ियां बन जाए इसके बॉडी के अंदर, सिंपल। ये नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, इनके बॉडी में सेंस ऑर्गन भी है। एक तो इनके बॉडी में है आई स्पॉट, ठीक है, आई स्पॉट इज नॉट प्रॉपरली आई, देख नहीं सकते ये, बट वो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, फोटो सेंसिटिव है। तो जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या प्रेडेटर को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर से डेवलपमेंट हमें देखने को मिला कि ठीक है चलो आई तो नहीं आई, बट आई स्पॉट वहां पर मिल गया, तो ना एक डिसाइड हो गया कि, और आई स्पॉट कहाँ था, हेड पे था, तो ये चीज डिसाइड हो गई इस फाइला के बाद कि अच्छा आंखें अगर बनी, मतलब उस टाइम ये चीज फिक्स हो गई कि अब जो आंखें बनेंगी ना वो हेड पे ही होगी, विच इज वेरी ऑब्वियस, हमारी आंखें कहाँ है, हेड पे है, तो हाँ आई स्पॉट हेड पे ही था। एक और ऑर्गन है जो सेंस ऑर्गन तो नहीं है, मतलब वो कुछ सेंस नहीं कर रहा है, बट इट्स अ बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है, और इसका नाम है स्टेटोसिस्ट, ओके। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब अभी सभी फाइला में वही चल रहा है, हर्माफ्रोडाइट है मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी बॉडी के अंदर है, एक ही एनिमल के अंदर फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। प्रोटोएंड्रस है, इसका भी मतलब टीनोफोरा में भी था, टीनोफोर के मेंबर्स भी कैसे थे, हर्माफ्रोडाइट थे और प्रोटोएंड्रस थे, रिमेम्बर, ये भी हर्माफ्रोडाइट और प्रोटोएंड्रस है। प्रोटोएंड्रस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाता है मेल सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही देखने को मिलता है, ठीक है, आपने जो पहले कभी पढ़ा है ना, तो एसेक्सुअल ही पढ़ा होगा इन एग्जांपल, इनको लेके, ठीक है, तो एसेक्सुअल को पहले देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा है प्लानेरिया, पढ़ा है, जब भी हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स किए हैं ना, तो हमने यही पढ़ा है कि जो प्लानेरिया है ना वो रीजेनरेशन करता है, तो या बाइनरी फ्यूजन भी कर लेता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड एसेक्सुअल है और वो प्लानेरिया बहुत बखूबी निभा लेता है। एक खास बात प्लानेरिया के बारे में कि जो रीजेनरेशन कैपेसिटी है ना सबसे स्ट्रांग है इसके पास, बहुत ही पावरफुल रीजेनरेटिव ऑर्गेनिज्म है ये प्लानेरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हालांकि हर्माफ्रोडाइट हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता होगा, बट नहीं,
सेल्फ फर्टिलाइजेशन रेयर है क्योंकि ये प्रोटो एंड्रस भी है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन अगर डेवलप हो गया है तो वो निकल जाता है भाई फीमेल के सर्च में, वो क्यों वेट करेगा ज्यादा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रेयर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ऑब्वियसली, मतलब फर्टिलाइज तो करना ही, तो फिर या सेल्फ अगर कम है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अच्छा, डेवलपमेंट है या फर्टिलाइजेशन कैसा होने वाला है? इंटरनल, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो बॉडी के अंदर ही हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है। ऐसा नहीं है कि मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ तो बॉडी से रिलीज हो गया, फिर फीमेल हुआ तो बॉडी से रिलीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है, बॉडी के अंदर रहता है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर नहीं याद आ रहा एक बार रिवाइज कर लो। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये रहता है कि और लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक छोटा सा बेबी, ठीक है, और वो डायरेक्ट एक अडल्ट। इनडायरेक्ट में बेबी था, लार्वा बना, फिर वो मेटामॉर्फोसिस की मदद से अडल्ट बना। तो यहाँ पे दोनों ही डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लैटीहेलमिंथ्स कंप्लीट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई होप, ये नहीं लग रहा है आपको स्टिल, अगर लग रहा है तो बताइए, मैं और ज़्यादा आसानी से या फिर आई विल ट्राई कि मैं आपको ये टॉपिक्स और बेहतर तरीके से एक और वीडियो या पार्ट में बता सकूं। ऑल दो ओके, सो दैट्स द एंड फॉर द वीडियो। लाइक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, होपफुली इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पॉज कर करके सुन लीजिए, या फिर सिस्टम्स में कन्फ्यूजन हो जाती है तो पार्ट्स में सुन लीजिए यार। आज डाइजेस्टिव कर लो, कर नर्वस कर लेना, फिर रिप्रोडक्टिव कर लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डायग्राम्स के थ्रू आसान करने की कोशिश करिए, इन डायग्राम्स को थोड़ा समझिए और दैट्स इट। ये फाइला हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड नेक्स्ट फाइला के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, सपोर्ट कर दीजिए गाइज, जरूरत है यार, मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए भी, है ना। तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर करूंगी, तो प्लीज डू लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।